हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमें जो लिमिट दी हुई है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट? तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व है और हमें ये लिमिट जो है वो इवेलुएट करनी है और ये दिखाना है कि क्या ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लिमिट को तो हम एल मान लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट? और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और दोनों लिमिट्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, राइट? तो देखते हैं कि कैसे हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है, राइट? तो सबसे पहले हम जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट? तो ये जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसकी डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, राइट? और जो रेंज होती है वो ज़ीरो से वन तक होगी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो नोटेशन होगा वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस। तो ज़ीरो के टॉप में यहाँ पर हम एक सॉरी हियर विल हैव द पॉजिटिव साइन, तो एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस होगा, राइट? और यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स, राइट? और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट? तो ये नोटेशन होगा हमारा राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट? तो इसको लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस और साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट? तो अब इस लिमिट को आगे इवेल्युएट करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं ज़ीरो प्लस एच, राइट? वेयर एच इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स एच इज़ पॉजिटिव, राइट? तो एच जो होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो जब एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली एच टेंड्स टू ज़ीरो होगा। तो इस लिमिट को अब हम लिख सकते हैं एच के टर्म्स में, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम रखेंगे ज़ीरो प्लस एच। तो ये आ गया ज़ीरो प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ज़ीरो प्लस एच, राइट? तो अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और ये आ जाएगा साइन इनवर्स ज़ीरो प्लस एच, एच हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच, राइट? तो अब हमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच है उसे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड एच इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो एच जो होगा इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो बट लेस देन वन, राइट? तो एच के लिए जो होगा हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं कि एच जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट? क्योंकि एच की वैल्यू जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में है और जब भी एच की वैल्यू ज़ीरो और वन के बीच में होगी तो उस वैल्यू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, राइट? तो यहाँ पर अब हम ज़ीरो रख सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी की जगह,
तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो साइन इनवर्स ऑफ h माइनस ज़ीरो, राइट। तो इसे लिख लेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और ये आ गया हमारा साइन इनवर्स ऑफ h। तो अब हम यहाँ पर जो h है उसकी जगह ज़ीरो रख लेंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, और साइन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। सो व्यूअर्स, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो नोटेशन होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, और इसके ऊपर हम एक नेगेटिव साइन दिखाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, और f ऑफ x की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। और इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस साइन इनवर्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह हम लिखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। तो जैसे हमने राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस की थी, वही प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, और x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, राइट, बिकॉज दिस टाइम वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 0, राइट। और जो भी नंबर्स 0 के लेफ्ट में होंगे वो हमेशा जो होंगे 0 से छोटे होंगे, राइट। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 माइनस एच रखेंगे, और h जो होगा वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, एंड h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 ऑब्वियसली h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर ये लिमिट बन जाएगी x टेंड्स टू h में हम इसे अब लिख सकते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन इनवर्स, और x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा 0 माइनस h, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h, राइट। तो अब हमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये माइनस h है इसकी वैल्यू देखनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी व्हेन h टेंड्स टू 0। तो चलिए वापस यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिलेशन दिया हुआ है, h इज़ ग्रेटर देन 0। तो अभी हमने जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की थी तो हमने एक रिलेशन, इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखा था कि h जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है लेकिन 0 और 1 के बीच में होती है, राइट। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, सो h लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ अगर मैं 0 लिख दूँ और यहाँ 1 लिखूँ तो h जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस h चाहिए, राइट। तो माइनस h जो होगा हमारा वो माइनस h जो क्वांटिटी है वो माइनस 1 से बड़ी होगी लेकिन 0 से छोटी होगी, राइट। यानी कि अगर हम इस पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 0 हो गया, यहाँ पर साइन जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा माइनस एच, और यहाँ भी साइन रिवर्स हो जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस 1, राइट। तो इसी इनइक्वालिटी को अब हम दोबारा लिख सकते हैं माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस h, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, राइट। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि माइनस h जो है वो माइनस 1 और 0 के बीच में होगा, माइनस 1 और 0 के बीच में, और h जो था वो 0 और 1 के बीच में था, राइट। तो यहाँ पर समझने के लिए हम h की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, राइट। मान लीजिए h जो है वो है 0.0001, राइट। तो माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा माइनस 0.0001, राइट। तो माइनस h जो होगा वो माइनस 1 और 0 के बीच में होगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच जो हो जाएगा वो माइनस 1 हो जाएगा, राइट। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जैसे यहाँ पर हम माइनस एच को ये क्वांटिटी मान रहे हैं, तो माइनस 0.0001 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो होगा माइनस 1, राइट।
तो अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। सो व्यूअर्स, नाउ वी कैन राइट दिस लिमिट एज, सी वी हैव लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स और माइनस एच और माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच जो होगा वो -1 आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन इनवर्स माइनस एच प्लस 1, राइट। और जब हम एच की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स -0 प्लस 1, एंड दिस इज साइन इनवर्स 1, राइट। एंड वी नो दैट साइन पाई बाई 2 जो होगा वो 1 होता है, तो पाई बाई 2 जो होगा वो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, राइट। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ रही है यहाँ पर पाई बाई 2, राइट। तो इस केस में जबकि हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 होगी और राइट हैंड लिमिट 0 होगी, राइट। ऑल्दो बोथ द लिमिट्स एग्जिस्ट एंड दे आर फाइनाइट बट दे आर नॉट इक्वल, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट व्हेन एक्स टेंस टू 0। तो हम यहाँ पर सेफली कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन एक्स टेंस टू 0 इट डज नॉट एग्जिस्ट।